हेलो बच्चों, मैं हिंदी टीचर। आपको याद होगा ना किसके पहले हमने क्या पढ़ाया था, कौन सा शब्द का यूज बताया था, क्या प्रयोग किया था? ने का प्रयोग। देखो ये हमने उस दिन बताया था ना, ने का प्रयोग, कि ने का कहाँ पे यूज किया जाता है। तो खुशी ने क्या पढ़ी थी, किताब पढ़ी थी, तो हमने यहाँ पे ने का यूज किया था। आज हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है आज, तो यहाँ पे से का प्रयोग करना है। समय ए की मात्रा से, ये है से का कैसे प्रयोग करना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, किसी के साथ कंपेयर करना है, किसी की तुलना करना है कि मैं उससे अच्छा पढ़ती हूँ, मैं उससे अच्छा पढ़ती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, उनके साथ कंपेयर कर रही हूँ, तब हम से का उपयोग करते हैं। जैसा यहाँ पे देखिए, रेखा पूजा से बड़ी है। पेज नंबर निकालिए, जिसके पास बुक है पेज नंबर निकालिए, 15। पेज नंबर क्या है, 15। जैसा यहाँ पे देखिए, रेखा पूजा से बड़ी है, रेखा पूजा से बड़ी है, रेखा इज एल्डर देन पूजा। मतलब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि रेखा किससे बड़ी है, पूजा से। तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे, से। उसके बाद देखिए, सुमन सबसे सुंदर है, यहाँ पे सुमन है और एक लड़की है, वो क्या बोल रही है कि सुमन सबसे सुंदर है, तो वो सुमन दूसरे लड़कियों के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये बता रहे हैं कि से का यूज किया जाता है। जैसे देखिए, पेड़ से क्या गिर रहा है, फल गिरता है, पेड़ से क्या गिरता है, फल। फल का मतलब क्या होता है, फ्रूट्स, खाए हो ना, आम सेब, ये सब है फल। उसके बाद देखिए, रमन स्कूल से लौटा, रमन कहाँ से लौटा, स्कूल से लौटा, यहाँ पे देखिए रमन स्कूल से लौटा। उसके बाद देखिए, मीना पेंसिल से चित्र बनाती है, मीना क्या कर रही है, चित्र बना रही है, किससे, पेंसिल से। तो यहाँ पे किसके, मीना क्या, किसका यूज कर रही है, से का, क्योंकि पेंसिल है तभी तो वह चित्र बनाएगी ना, तो मीना यहाँ क्या कर रही है, पेंसिल से चित्र बना रही है। यहाँ पे देखिए, किताब, किताब का मतलब क्या होता है, बुक। उसके बाद गाना, सॉन्ग, खाना, फूड, अखबार, न्यूज़पेपर, दूध, मिल्क, पढ़ना, टू रीड, कविता, पोयम, गाना, टू सिंग। उसी तरह यहाँ पे देखिए, सुंदर, ब्यूटीफुल, क्या ये, सुंदर। उसके बाद फल फ्रूट, स्कूल, स्कूल का मतलब पाठशाला, विद्यालय, चित्र, चित्र का मतलब क्या होता है, पिक्चर, ये सब क्या है, पिक्चर, राइट। तो हमने क्या देखा, किसी के साथ अगर तुलना करना है या कंपेयर करना है, किसी के एग्जाम्पल देना है, तब हम से का यूज करेंगे। तो उसी तरह देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे से का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे रेखा किससे बड़ी है, यहाँ पे पूजा से, ये रेखा है, पूजा उससे बड़ी है, तो रेखा पूजा से बड़ी है, रेखा किससे बड़ी है, पूजा क्या है, उससे छोटी है, तो यहाँ पे हमने से का उपयोग किया है। सेकेंड वन देखिए, यहाँ पे दिया है सुमन सबसे सुंदर है, सुमन कौन है, एक लड़की है, वो सबसे सुंदर है, कौन सुंदर है, सुमन सबसे सुंदर है, आपने देखा यहाँ पे यूज किया मैंने से। उसके बाद देखिए थर्ड वन क्या है, ये फल पेड़ से गिरता है, फल कहाँ से गिरता है, फल कहाँ होता है, तो पेड़ पर ही होता है, तो पेड़ से क्या गिर जा रहा है, फल गिर जा रहा है, तो पेड़ से गिरता है,
बाद देखिए, रमन स्कूल से लौटा। लौटा का मतलब क्या होता है? रिटर्न आया। रमन कहाँ गया था? स्कूल। आप स्कूल जाते थे ना पहले, तो उसी तरह रमन भी स्कूल गया और वहां से लौटा, रिटर्न आया। रमन स्कूल से लौटा। कहाँ से लौटा? तो स्कूल से लौटा। उसके बाद देखिए, काम करने के साधन के रूप में एज ए मीडियम टू डू समथिंग। यहाँ पे देखिए हमने लिखा कि रेखा पूजा से बड़ी है। रेखा इज एल्डर देन पूजा। रेखा इज एल्डर देन पूजा। तो यहाँ पे देन किसके लिए यूज हुआ? से के लिए। उसके बाद सुमन सबसे सुंदर है। तो सुमन इज मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल। मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल। उसके बाद फल पेड़ से गिरता है। द फ्रूट इज फॉल्स फ्रॉम द ट्री। रमन स्कूल से लौटा। रमन रिटर्न फ्रॉम स्कूल। तो आपने देखा यहाँ पे कि से का कैसे प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद देखिए मे मतलब इन या इनसाइड। यहाँ पे देखिए टोकरी में खरगोश है। टोकरी में क्या है? खरगोश है। तो यहाँ पे टोकरी दिख रहा है आपको, बास्केट, उसके अंदर क्या है? खरगोश। उसके बाद देखिए तालाब में मछलियां है। मे का प्रयोग मतलब यूज, मे का यूज हम कैसे करेंगे? तो हम ये बता रहे हैं देखिए कि तालाब में मछलियां है। तालाब में क्या है? मछलियां है। उसके बाद देखिए सोनी कहाँ है? घर में। सोनी घर में है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? मे। पिंजरे में तोता है। पिंजरे के अंदर जो है क्या है? वो तोता। तोता का मतलब पैरेट। पिंजरे के अंदर कौन है? तोता है। उसके बाद देखिए बस्ते में किताबें हैं। बस्ते में किताब है। बस्ता मतलब बैग। आप स्कूल बैग लेके जाते हो ना, तो उसमें क्या रखते हो? किताब ही रखते हो ना। तो ये हो गया कि बस्ते में क्या है? किताबें हैं, क्योंकि बहुत सारे किताबें हैं इसलिए किताबें। अगर एक रहता तो हम बोलते थे किताब, मगर बहुत सारे हैं इसलिए हमने यहाँ पे क्या देखा? किताबें। अभी यहाँ देखिए बटुए में रुपये है। बटुए का मतलब होता है पर्स। पर्स में क्या रहता है? पैसे हम रखते हैं ना, छोटा सा पर्स रहता है, उसके अंदर हम पैसे रख के बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं। तो ये बटुए हैं, इसके अंदर क्या है? पैसे। उसी तरह मे का प्रयोग कैसे हम किया? तो देखो यहाँ टोकरी के अंदर खरगोश है। टोकरी के अंदर क्या है? खरगोश। देखा ना आपने यहाँ पे। और तालाब में क्या है? मछलियां। तालाब में क्या है? मछलियां। तालाब में क्या है? मछलियां। तो आपने देखा बच्चों कि हमने कैसे यूज किया मे का प्रयोग। उसके बाद देखिए बस्ते में किताबें हैं। थर्ड वन हेलो बच्चों, यहाँ पे देखो मे, मे का प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसा देखो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर कि टोकरी में क्या है? खरगोश है। तो टोकरी के, टोकरी में, यहाँ पे देखिए टोकरी में खरगोश है। टोकरी कहाँ पर है? किसके अंदर है? तो टोकरी में खरगोश है। टोकरी के अंदर क्या है? खरगोश है। अभी देखिए तालाब में मछलियां है। हमने क्या लिखा है? मछलियां। मछलियां क्यों?
क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने सारे मछलियां हैं, एक रहा तो हम मछली लिखते थे, 1 2 3 4 5, पांच मछलियां हैं यहाँ पे, इसलिए हमने लिखा है तालाब में मछलियां हैं। बस्ते में किताबें हैं, बस्ते में क्या है, किताबें, देखो यहाँ बस्ते हैं उसी तरह हमने लिखा है, बस्ते में किताबें हैं, ठीक है। पिंजरे में तोता है, पिंजरे में कौन है, तोता, तोता का मतलब तो मैंने अभी बताया, पैरे सोनी सोनी घर में है, सोनी कहाँ है, घर में, जैसे आप अभी कहाँ पर हो, घर में, तो उसी तरह हमने आज क्या बताया, से का प्रयोग और मे का प्रयोग, कि से का प्रयोग कहाँ किया जाता है और मे का प्रयोग कहाँ होता है। तो बच्चे आपने देख लिया ना कि से का यूज कहाँ पे करेंगे और मे का यूज हम कहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे टोकरी बास्केट, तोता पैरेट, तालाब पॉन्ड, बस्ता बैग, मछलियां फिश, किताबें बुक्स, उसके बाद पिंजरा केज, बटुआ पर्स, छोटा सा पर्स रहता है जिसमें हम पैसे रखते हैं, वो होता है पर्स। तो आज हमने देख लिया मे और से का प्रयोग, तो आप इसके बाद हम और देखेंगे पर का यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।